अस्सलाम वालेकुम। अरे आसिम बाजी, सुबह सुबह ये ओढ़नी वगैरह लपेट कर कहाँ जा रही हो? सब समझता है फिर भी पागल चाले कर रही हो। देख रही है कि बगल में कुरान है, हाथ में दीनी किताबें है, मदरसा नहीं जाओ तो कहाँ जाऊंगी? बहन मैं मदरसा जा रही हूँ। अरे बहन, मैं तो आज तक तुमको रोशन ख्याल बालों में समझती थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे बहन, इस तालीम से ना तो डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है, आगे चलकर जिंदगी बड़े परेशानियां उठानी पड़ती है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? उफ़ान, आप तो बुरा मान गए। मेरे कहने का ये मकसद है कि इस तालीम से ना तो डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है, तो जिंदगी गुजारने के लिए रोटी रोजी का मसला कैसे हल होगा? अरे तौबा करो बहन, तौबा, अल्लाह की जाति को भूल कर तुम्हें ऐसी बातें कर रही हो। उफ़ान, आप तो बुरा मान गई। मेरे कहने का ये मकसद है कि इस तालीम से ना तो डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है, जिंदगी आगे चलकर जिंदगी बड़े परेशानियाँ उठानी पड़ती है। अरे बहन, तुम पढ़ी लिखी होकर जहालत की बातें कर रही हो। तुम पर कितना भी अफसोस किया जाए कम है। रोटी रोजी का मसला डिग्री और सर्विस पर होता तो अब तक सारे जाहिल भूखे मर जाते। हालांकि ये मुशाहिदा है ज्यादातर दौलत जाहिलों के पास है। रोटी रोजी का मसला अकल और होशियारी पर होता तो अब तक सारे पागल भूखे मर जाते, लेकिन ऐतानी पागल भी जी रहे हैं, खा रहे हैं। बहन, हमारे की जात अल्लाह की जाति पर है कि अल्लाह जिसको चाहता है ले हिसाब रिस्क देता है, और एक जगह उसने साफ साफ ऐलान कर दिया। हाँ तो मुझे भी बताओ क्या है? उफ, आपको मालूम नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा मिन दावतिन फिलाल इल्ला अला रिज़्क। हर जानवर की रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया। कौवा व किसी भी नुका हो, मेरी प्यारी बहन, जब रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया तो डिग्री और सर्विस पर भरोसा करें। जहालत मैदान में तो क्या, तो हमें सबसे पहले वह इल्म हासिल करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। तो क्या इल्म हासिल करना सबके लिए जरूरी है? हाँ बहन, सारे मुसलमानों के लिए जरूरी है। प्यारे आकाज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। यहाँ तक के फरमाया उतलबुल इल्म वलौ काना बिस्सिन। इल्म हासिल करो अगर तुम्हें चीन तक जाना पड़े, मतलब इतना ही कितने ही दुश्मारी फेस दूर जाना पड़े, मगर इल्म दीन हासिल करो। अच्छा, तुम बहुत स्कूल कॉलेज पढ़ी हो, जरा मुझे ये तो बताओ हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई और इसमें कितने पारा कितने सूरते हैं? मुझे दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं। मैं नहीं जानती हूँ कि हमारे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कौन सी और इसमें क्या क्या है। अफसोस सदा अफसोस तुझ पर और तेरे माँ बाप पर, तुझे ये तक नहीं पता हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई और इसमें कितने पारा इसमें कितने सूरते हैं। तो नमाज और रोजे का क्या मसाला? आसिम बहन, मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत करो। असल में ये कुताही मेरे माँ बाप की है। इन्होंने तो स्कूल खूब पढ़ाया और खूब रुपया लगाया, लेकिन दीनी तालीम से बुरा रखा। अल्लाह तुझे हमेशा मेरा अच्छा रखे। अच्छा हुआ आज तुझसे मुलाकात हो गई तो मालूम हुआ कि हम मुसलमान हैं, हम पर क्या क्या चीजें फर्ज है। यह तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे बहन, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, उसे दिन की एक ही बात मालूम हो तो दूसरे तक पहुँचा। हजूर का इरशाद है बल्लिगुन्नी वलवा है। अच्छा बहन, ये बताओ कि इल्म दीन हासिल करने से और इस पर अमल करने से क्या मिलता है? इल्म दीन हासिल करने से और उस पर अमल करने से अल्लाह खुश होता है, और अल्लाह जिस बंदे या बंदी से खुश होता है उसे सीधे जन्नत में दाखिल कर देता है। जन्नत क्या है बहन? जन्नत बहुत अच्छी जगह है। उसमें बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े बाग है, नारे हैं। इन बागों में तरह तरह के फूल है, ऐसी ऐसी नेमत जो ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। जन्नत वालों के लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी, जो चाहो खाओ जो चाहो पियो। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। हाँ बहन, इससे भी खुशखबरी क्या होगी? जो अल्लाह ताला हमसे भी खुश हो जाए मरने को, सीधे जन्नत में दाखिल कर दे। अरे बहन, अच्छा बहन ये बताओ कि किसी ने ना तो इल्म दीन हासिल किया और ना इस्लामी तरीकों पर अमल किया तो इसको क्या मिलेगा? ऐसे इंसान को
बचाए। कैसी बड़ी जगह जरा हमें भी बताओ। जानना बहुत बुरी जगह है, उसमें बड़े बड़े सांप और बिच्छू बड़े बड़े अजगर हैं। इसमें काफिर मुसलमान हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे। तो क्या जहन्नम में जाने वाला इंसान आग में जलते रहेंगे? हाँ बहन, इसमें जाने वाले जलेंगे। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह की पनाह बहन, मैं आज ही पुख्ता इरादा कर दूँ, पहले फुर्सत में इल्म दीना हासिल करूँगी और अपनी छोटी बहनों को भी दीनी तालीम सिखाऊंगी, ताकि मरने के बाद जहन्नम के खतरनाक अजाब से बचा सकूँ। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। अच्छा हुआ आज तुझसे मुलाकात हो गई तो मालूम हुआ कि अच्छा हुआ आज तुझसे मुलाकात हो गई और इसके बेहतरीन सले अता फरमाए। अब मैं चलती हूँ, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है। ठीक है, आप कभी भी मुलाकात हो तो इस्लामी रंग तुम्हारे और पर मिलना चाहिए। इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।